हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची अभी जारी नहीं हुई है। इस बीच कांग्रेस ने हरियाणा से दो पहलवानों को पार्टी में शामिल कर लिया। ये कोई और नहीं बल्कि पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया हैं। दोनों ने दिल्ली में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। कांग्रेस में शामिल होने से पहले विनेश फोगाट ने रेलवे की नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। सूत्रों की माने तो दोनों पहलवान विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। आने वाला समय ही बताएगा कि कांग्रेस दोनों को कहां से टिकट देगी। कांग्रेस में शामिल होने से पहले विनेश और बजरंग ने मल्लिका अर्जुन खड़गे से भी मुलाकात की थी। मल्लिका अर्जुन खड़गे ने विनेश और बजरंग के साथ एक फोटो भी शेयर की थी। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद बजरंग पुनिया ने कहा, जैसे हमने कुश्ती में जी तोड़ मेहनत की है, ठीक वैसे ही हम पार्टी में रहकर मेहनत करेंगे और पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। सभी को नमस्कार, और मैं धन्यवाद दूंगा केसी जी का, हरियाणा के प्रभारी हमारे दीपक बावरिया जी का, अध्यक्ष हमारे उदयभान जी का, पवन खेड़ा जी का, और विनीत पुनिया जी का, और जितने भी कांग्रेस के हमारे लीडर हैं उन सब का, कि हमें विनेश ने बताया कि बुरे समय में हमारे साथ खड़े हुए। जो आज बीजेपी की आईटी सेल बोल रही है कि इनका मकसद तो सिर्फ राजनीति करना था, हमने तो उनको लेटर भेजा था, वो जब भी नहीं आए। हमने तो बीजेपी के जो सांसद थी, जितनी भी महिला सांसद थी, उनके घर पे लेटर दिया था, वो फिर भी उन बच्चियों के साथ नहीं खड़े हो पाए। कांग्रेस पार्टी तो बिना कुछ हमने इनको बताया ये वहां पे हमारे साथ खड़े हुए। तो देश की बेटियों की जो आवाज उठाई उसका भुगतान हम कर रहे हैं। लेकिन ये चीज हमें पता लगी कि जो अत्याचार बेटियों पे हुआ जंतर मंतर पे, उसके साथ सिर्फ बीजेपी पार्टी खड़ी हुई, और सभी पार्टी हमारे साथ खड़ी थी। और जो भी आज हम इस पे कांग्रेस पार्टी में आए हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ सभी का। हम अपनी पूरी मेहनत, जितनी हमने कुश्ती में मेहनत की है, जितनी हमें किसान आंदोलन में मेहनत करी है, जितना अग्निपथ योजना के टाइम पे मेहनत करी है, और बेटियों के आंदोलन में मेहनत करी है, ऐसे ही मेहनत करेंगे और कांग्रेस पार्टी को भी मजबूत करेंगे और देश को भी मजबूत करेंगे, और ग्राउंड पे रह के काम करेंगे। जैसे रेसलिंग में बचपन से 7-8 साल की उम्र में लगे थे, जब यह पता नहीं था कि हम ओलंपिक मेडल जीतेंगे, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, मेहनत करते गए, और वो मुकाम हमें मिला, क्योंकि ओलंपिक से बड़ा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं होता।